हरियाणा की कांग्रेस की सियासत को लेकर आज दो अहम बातें आपको बता रहे हैं। खरी खरी न्यूज़ के साथ में कुलदीप सुरान। हरियाणा कांग्रेस में आज दो ऐसी चीजें हुई जिनके ऊपर गौर करना बेहद जरूरी है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज कांग्रेस के एक बड़े नेता यानी भूपेंद्र हुड्डा के बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज यह खुद मान लिया कि कांग्रेस के अंदर बड़ी गुटबाजी है, कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कोई एकजुट नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी में कोई एकजुट नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी में कोई एकजुट नहीं है। जी हाँ, दीपेंद्र हुड्डा ने कल हिसार में शाम को मीडिया के साथ बातचीत करते हुए साफ तौर पर मान लिया कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, कांग्रेस में गुटबंदी है। यानी अभी तक हुड्डा परिवार जो कांग्रेस में एकता के दावे कर रहे थे, जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं होने के दावे कर रहे थे, उनको खुद दीपेंद्र हुड्डा ने खारिज कर दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने पहली बार खरी खरी बात कही है। जी हाँ, दावे मीडिया के सामने, जनता के सामने ये किए जाते हैं कि कांग्रेस में पूरी एकता है, लेकिन सभी जानते हैं कि कांग्रेस में जितने बड़े नेता हैं उतने ही खेमे हैं। हालात यह है कि आधा दर्जन बड़े नेता तो खेमेबाजी के कारण कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और बाकी बचे हुए आधा दर्जन में से पांच नेता भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हैं। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा ने यह स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, कांग्रेस में खेमेबाजी है। सवाल यही है कि जब दीपेंद्र हुड्डा ने खुद मान लिया कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, तो कांग्रेस का बेड़ा पार कैसे होगा? कांग्रेस को लेकर दूसरी खबर यह है कि आज पहली बार कांग्रेस में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फंड का दुरुपयोग किया गया। जी हाँ, आज पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन है और भूपेंद्र हुड्डा को बधाई देने के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फंड का दुरुपयोग किया गया। जी हाँ, अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन देकर उदय भान ने अपनी स्वामी भक्ति को जग जाहिर किया, अपने फर्ज को अदा किया और यह बता दिया कि वे जो भी कर रहे हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के कहने से कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के लिए कर रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा के लिए समर्पित हैं। इस तरह की कार्रवाई कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं देखी गई कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के पार्टी के फंड का दुरुपयोग किया जाए। जी हाँ, इसे दुरुपयोग कहेंगे क्योंकि तो पार्टी का फंड पार्टी के प्रचार के लिए होता है, पार्टी के कामकाज के खर्चों के लिए होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेता के लिए जन्मदिन पर बधाई देते हुए लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। इसे यह साबित होता है कि उदय भान जी वही सब कुछ कर रहे हैं जो उन्हें कहने के लिए कहा जाता है। वो एक रबर स्टैंप के तौर पर, एक रिमोट कंट्रोल के तौर पर कांग्रेस को चला रहे हैं, या ये कह सकते हैं उनके पास जो आदेश आते हैं उनकी पालना कर रहे हैं। दोनों ही मामलों से साबित हो गया है कि हरियाणा कांग्रेस में पूरी की पूरी चौधर और वत्सल हुड्डा परिवार का है और इसमें अब कोई कहने की बात नहीं है कि कांग्रेस के अंदर एकजुटता नहीं है, कांग्रेस में खेमेबाजी है और ये खेमेबाजी किसी भी कीमत पर नहीं मिटेगी। इसे हाईकमान भी जानता है, इसे हुड्डा परिवार भी जानता है, इसे जनता भी जानती है। अब देखना यही है कि क्या दोबारा से इस सच्चाई को छुपाकर हुड्डा परिवार फिर कांग्रेस की एकता के दावे करेगा।